ओम शांति। 28 सितंबर के ईश्वर का स्वागत है। परमात्मा कहते हैं, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भवा। अब माया हमारे अंदर भी है, परसेंटेजेस अलग हैं, और माया औरों के अंदर भी है। संपूर्ण तो बने नहीं हैं, बनते जा रहे हैं। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं है ना। जैसे बॉक्सिंग मैच में क्या होता है, आप ओपोनेंट को क्या बोलता है, आओ आओ बॉक्सिंग फेंको मारो, मैं भी हूँ, खड़ा हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं बचा लूँगा अपने आप को और मैं भी दूंगा फिर। तो ये बॉक्सिंग मैच में होता है। इसी तरीके से माया को भी हम क्या करते हैं, ललकारते हैं कि आओ इम्प्योर थॉट्स आओ, वेस्ट थॉट्स आओ, काम करो लोमकार के संकल्प आओ वेस्ट, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इनको मैं हटा के रहूँगा। या फिर किसी और के अंदर के जो ये मायावी संकल्प अगर आपको आकर के अटैक करते हैं, कोई आपको क्रोध करता है, कोई आपको इरिटेट करता है, फ्रस्ट्रेट करता है आपको, कोई आपको लोभी बनाता है, अहंकारी बनाता है, आपके प्रति अशुद्ध संकल्प रखता है, तो उसको भी आप क्या करते हैं? बोलते हैं कि हाँ चलो फेस करते हैं, इसको भी घबराते नहीं हैं। साक्षी होकर खेल देखने से मज़ा आता है कि आप किसी को देखते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी को दिखाते हैं महाभारत में कि वहाँ से तीर फेंक रहे हैं, ललकार रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी अपने आप को संभाल करके मुस्कुरा रहे होते हैं। तो वो ब्रह्मा बाबा की यादगार होगी, हमें भी वैसा ही बनना है। क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है ना। लोग धमकी देंगे, इम्प्योर बोलेंगे, गलत बातें बोलेंगे, लेकिन उनके अंदर बिल्ली जितनी भी ताकत नहीं है। सिर्फ आप घबराकर उसे बड़ा बना देते हो कि अरे क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, क्या करूँ, कैसे होगा। हम उसके शब्दों को हम बड़ा बना देते हैं, अरे वो ऐसे बदला लेना चाह रहे हैं, ऐसे कर देंगे मेरे साथ में। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति।